महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश में जल्द ही सीएनजी और पीएनजी की कीमत में 10% तक की कमी आ सकती है। मोदी कैबिनेट ने डोमेस्टिक गैस की कीमतें तय करने के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। इसके तहत घरेलू गैस की कीमत को मौजूदा रेट से 24% कम कैप के साथ क्रूड ऑयल के साथ जोड़ा जाएगा। अब तक सरकार हर 6 महीने यानी 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करती थी। ये कीमतें अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे गैस सरप्लस देशों में चल रहे रेट के आधार पर तय की जाती थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब ONGC और ऑयल इंडिया के लीगसी फील्ड से निकलने वाली गैस की कीमत इंडियन बास्केट के मंथली एवरेज का 10% होगी। गैस के लिए आधार मूल्य यानी फ्लोर प्राइस $4 प्रति MMBTU और अधिकतम मूल्य $6.5 प्रति MMBTU होगा। इसकी मौजूदा कीमत $8.57 प्रति यूनिट है। डोमेस्टिक गैस को CNG में भी बदला जाता है और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी रसोई गैस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नई पॉलिसी शनिवार से लागू होगी। नए फॉर्मूले के लागू होने के बाद दिल्ली में CNG और PNG की कीमत में प्रति यूनिट 6 रुपए की कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली में अभी CNG की कीमत 79.56 रुपए प्रति किलो है। नए फॉर्मूले के बाद इसकी कीमत घटकर 73.59 रुपए पर आ सकती है। इसी तरह राजधानी में PNG की कीमत 55 रुपए प्रति SCM यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, जो नए फॉर्मूले के बाद 50 रुपए पर आ सकती है। इसे यूं समझ लीजिए कि अगर किसी का 2 महीने का PNG का बिल 2200 रुपए आया है तो ये घटकर 2000 रुपए रह सकता है। मुंबई के उपभोक्ताओं को CNG पर प्रति यूनिट 8 रुपए की बचत होगी, जबकि PNG पर हर एक यूनिट पर उनके 5 रुपए बचेंगे। बेंगलुरु में कस्टमर्स को CNG और PNG अब 6 रुपए सस्ती पड़ेगी। इसी तरह दूसरे शहरों के निवासियों को भी फायदा होगा, लेकिन ये फायदा लोकल टैक्स या डोमेस्टिक गैस के शेयर के आधार पर अलग अलग होगा। गैस की कीमत अब हर महीने नोटिफाई की जाएगी। इसका फायदा PNG, CNG और फर्टिलाइजर प्लांट्स को होगा। इससे आम घरेलू उपभोक्ता से लेकर किसानों और गाड़ी चलाने वालों को लाभ मिलेगा। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में काफी तेजी आई है, लेकिन सरकार ने भारतीय उपभोक्ताओं को इसके असर से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस का मकसद घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर रखना है, साथ ही इससे गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों के हितों का ध्यान भी रखा गया है। ये सीलिंग 2 साल के लिए वैलिड होगी और फिर इसमें हर साल 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। नए फॉर्मूला के मुताबिक ONGC और ऑयल इंडिया को लिगसी फील्ड से उत्पादन बढ़ाने पर 20% प्रीमियम दिया जाएगा। ये फॉर्मूला नीलाम किए गए फील्ड्स या डिफिकल्ट फील्ड्स पर लागू नहीं होगा। नीलाम किए गए फील्ड्स के लिए पहले से ही प्राइसिंग और मार्केटिंग को लेकर पूरी आजादी दी गई है। डिफिकल्ट फील्ड्स के लिए 2016 में एक अलग प्राइसिंग व्यवस्था बनाई गई थी। नए फॉर्मूला में कीर्ति पारेख पैनल की सिफारिशों को शामिल किया गया है। इस पैनल को लिगसी फील्ड्स की प्राइसिंग पॉलिसी की समीक्षा करने का काम दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस की कीमत पिछले 2 साल में 70-80% बढ़ी है। इस कारण देश में CNG और PNG की कीमत में काफी तेजी आई है। लिगसी फील्ड्स का मतलब ऐसे क्षेत्रों से है जो 1997-98 में न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आने से पहले ही ONGC और ऑयल इंडिया को दे दिए गए थे। इस पॉलिसी से गैस फील्ड्स की नीलामी का रास्ता साफ हुआ था। लिगसी फील्ड से निकलने वाली गैस को APM गैस यानी एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। इसे सरकार अलॉट करती है। देश की कुल गैस डिमांड का 50% डोमेस्टिक गैस से पूरा होता है। बाकी डिमांड जहाजों के जरिए आयात की जाने वाली LNG के जरिए पूरी होती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।